नमस्ते वनकम कैम्चो एंड कसकाय पब्लिक, तो स्वागत है आपका एक नई जर्नी में और काउंटलेस जर्नी में आपका स्वागत करते हुए हम पहुंच गए हैं तामिनी घाट। और ये घाट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे जो व्यूज है वो कुछ नए व्यूज ही मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम तामिनी घाट नहीं जाने वाले, आज हम एक सीक्रेट वाटरफॉल की ओर जाने वाले, जो आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा। लेकिन चलिए एक अच्छे से जर्नी शुरू करते हैं और आपको नजारे जो है वो दिखा देते हैं। तो आप ये जो नज़ारा देख रहे हो वो है तामिनी घाट के वाटरफॉल्स का नज़ारा। और यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। जा रहे हैं वो उस वाटरफॉल का नाम है नाने माची वाटरफॉल। और इस वाटरफॉल पे पहुंचने के लिए आप दो रास्ता चूज कर सकते हो। पहला तो है आप पुणे से बोर होते हुए जा सकते हो और आप नाने माची वाटरफॉल बेस पे पहुंच सकते हो, या तो आप बेसिकली तामिनी घाट होते हुए और NH66 जो कोची पनवेल हाईवे है गोवा वाला वो पकड़ के आप सावित्री नदी के बाजू बाजू से चलते हुए आप महाड क्रॉस करके आप पहुंच सकते हो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये जो नाने माची गांव है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और हम यहां पे अभी जस्ट पहुंचे हैं। ये आप NH66 जो है वो देख सकते हो। तो अभी हम यहां पे आ चुके हैं एक कास रिवर के ऊपर का जो ब्रिज है वहाँ पर। और ये मेरे पीछे का जो आप पूरा रिवर जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो। We'll be right back.
दोस्तों अभी हम यहाँ पे शेवटे जो विलेज है वहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा एक ये बड़ा सा वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा। वैसे छोटा है लेकिन यहाँ पे ये जस्ट विलेज को एंटर ही कर रहे हैं और ये शेवटे विलेज नाने माची का जो एंट्रेंस पॉइंट है उससे पहले आपको ये ऐसा छोटा सा वाटरफॉल देखने मिलेगा। तो आपने ये ज़बरदस्त वाला वाटरफॉल देख ही लिया होगा, ये वाटरफॉल आपको शुरुआत में ही देखने मिल जाएगा। और अभी हम यहाँ पे शेवटे विलेज में पहुँचे हैं, आपको इस विलेज में पहुँचना है और अगर आप मैप से आ रहे हो तो गूगल मैप में लिखना है नाने माची ट्रैकिंग बेस पॉइंट और आपको ऐसा वाला रोड दिखेगा और आप यहाँ पर आओ और आके फिर शेवटे विलेज से ही आपका जो ट्रैकिंग है वो शुरू होगा। तो अभी हम आगे जाते हैं और आपको अपडेट करते हैं। दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं नाने माची विलेज। तो मेरे पीछे आप नाने माची का बोर्ड आप अच्छी तरीके से देख सकते हो और यहाँ पे एक मंदिर है जो अपने नाने माची के वहाँ पे है, वो मंदिर को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको आप जब भी आओ मैप में अभी भी मैं आपको कोऑर्डिनेट्स नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करना और उसी रास्ते से आना क्योंकि यहाँ पे दो तीन रास्ते हैं जिसकी वजह से आप शायद गलत रास्ते पे पहुंच सकते हो और व्यू पॉइंट पे पहुंच सकते हो। तो आपको यहाँ पे नाने माची बेस विलेज शेवटे गांव जो है वहाँ पे आना है और यहाँ से हम जब आगे जाएंगे तो यहाँ से हमारा जो ट्रैकिंग है वो शुरू हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रैकिंग एंड इस जबरदस्त वाले व्लॉग जो है उसमें हम आपको दिखाएंगे नाने माची वाटरफॉल। जबरदस्त फन हो रहा है लेकिन गर्मी बहुत हो रही है यार, गर्मी तो है। क्या मज़ा आ रहा है यार, थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है बट अभी सितंबर मंथ शुरू होने वाला है तो गर्मी तो लगेगी, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वाटर का फ्लो कैसा है वहाँ पे। बट बहुत ज़बरदस्त ट्रैकिंग है ये। पूरा जो रास्ता है वो पूरा झाड़ियों में से निकलता हुआ रास्ता है, पूरा जंगल वाला रास्ता है बट इजी है, थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से इसको वो ट्रैकिंग है वो आप कर सकते हो, एंजॉयिंग द ट्रैक। यार ये जंगल, ये रोड्स, ये अमेजिंग सा ट्रेल, क्या मजा आ रही है। अभी धीरे धीरे से वाटरफॉल का आवाज थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है मेरे को। जंगलों में से पास होते हुए अभी हमें आवाज आ रही है, सुमधुर आवाज आ रही है एक बड़े से वाटरफॉल की और उसी की तरफ अभी हम जा रहे हैं कुछ कदम और हम पहुंच जाएंगे नाने माची वाटरफॉल। ओह यार जबरदस्त कड़ी धूप है और धूप के साथ साथ यार हम पहुंच चुके हैं एकदम वाटरफॉल के एकदम नज़दीक, मतलब इतना इतना करीब कि आपको हम वाटरफॉल का जो व्यू है वो भी हम दिखा देंगे।
जो मेरे को दिख रहा है ना, वो एक सही में एक जबरदस्त जबरदस्त चीज़ है जो दिख रही है यहाँ पे। इट्स जस्ट अमेजिंग, सो गुड। अभी यहाँ पे से हम जस्ट वाटरफॉल के एकदम नज़दीक पहुँच चुके हैं और हमने अभी कंप्लीट कर चुके हैं वाटरफॉल। और आप जस्ट मेरे पीछे देखो इस जबरदस्त जाइजेंटिक वाटरफॉल को आप यहाँ पे देख सकते हो। टू टीयर वाटरफॉल है, एक वाटरफॉल यहाँ से भी जा रहा है और एक वाटरफॉल वहाँ ऊपर से भी आ रहा है। और कितना ऊपर से आ रहा है, आजू बाजू तो मतलब मुझे वाटरफॉल ही वाटरफॉल दिख रहा है और नीचे छोटी सी वैली। इट जस्ट यार जस्ट अमेजिंग लाइक वो ऑसम ऑसम। तो दोस्तों यार मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं रिवर जो है उसके बाजू में ही चल रहा हूँ। रिवर के बाजू में चलते चलते हम पहुँच रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ग्रीन ग्रीन है तो जिसकी वजह से वो हो सकता है प्रॉब्लम। बट गाइस लाइक जस्ट लुक एट द वाटरफॉल। अभी भी पूरा व्यू नहीं मिला है लेकिन मेरे बाजू में ये जो बहुत ही अच्छी सी रिवर है वो आप जाके देख रहे हो। वाटरफॉल का जो पानी है कितना अच्छी तरीके से जा रहा है एंड इट जस्ट लुकिंग अमेजिंग। कितना जबरदस्त और कितना बड़ा जाइजेंटिक वाटरफॉल ये हमें दिख रहा है। ये टू लेयर वाटरफॉल है, आपको एक लेयर दिखा रहा हूँ। आप थोड़ा आगे आओगे तो और बड़ा जो वाटरफॉल है उसका रियल व्यू जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप जस्ट ये वाटर का फ्लो देखो, जस्ट आप
दोस्तों अभी व्यू आपको है नाने माची वाटरफॉल का व्यू और क्या जबरदस्त वाटरफॉल है, इट जस्ट अमेजिंग, इट जस्ट अमेजिंग। अभी हम महाड में ही रुक चुके हैं, तो होटल विसावा में, तो यहाँ पे बहुत सारे विसावा होटल है लेकिन हम रुके हैं होटल, तो आप इसका रूम देख सकते हो, लिया है फैमिली रूम, तो एक रूम यहाँ पे है, बहुत ही अच्छा सा स्पेशियस रूम जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे एक कपबोर्ड देके रखा हुआ है और यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम है। सब लोग तीनों लोग आराम से सो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत अभी रेस्ट करते हैं और रेस्ट करके फिर आपको नए व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय, सी या एंड हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड।